Akash Institute announces admission open for dropper or repeater batch NEET JEE 2022. Up to 90% scholarship in IACST. For queries, call 84910472828 or 229 or WhatsApp on 9419229143. My name is Oya Samadon. I'm from Magam, Handwara. And I have done my schooling till 8th in Handwara, and from 8th, 9th, 10th I did my schooling at Lawrence Vidya Bhavan, and from 8th I joined Akash, and from 8th till 12th I have been with Akash for my JEE advanced preparation. I have completed my higher secondary education from Delhi. मैंने basic schooling और अपनी higher secondary की जो studies है वो मैंने private institution से ही की है. पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आप पहले मतलब परफॉर्म इतना ना कर पाए हैं, कोई चीज़ आपको उतना नहीं, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम के करीब आते हैं वो सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं. तो एक तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की, और हर एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसको बस समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे मतलब कुछ भी हो, पहले कोई कुछ भी दिक्कत हो, बस क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर स्पेशली जेई एडवांस्ड. आप दिन में कितने घंटे जी? ऑन एन एवरेज ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता था, कभी तो मैं 10-12 घंटे पढ़ लेता था, कभी 4-5 ही घंटे पढ़ लेता था, लेकिन ऑन एन एवरेज 6-7 आवर्स अ डे मेरी पढ़ाई हो जाती थी अपार्ट फ्रॉम माय कोचिंग क्लास. तो पिछले 2 सालों से मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स बंद रहे, तो उसमें आपने किस चीज़ को हेल्प लेके या ऑनलाइन या किसी और चीज़ को लेके पढ़ाई? जी मैं इंस्टीट्यूट नहीं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मैंने सामने रख दी थी, तो मुझे कुछ और चीज़ें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जब हम लॉकडाउन में इधर आए थे तो हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, थोड़ा मुझे 2G की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर उसके लिए भी मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प किया. कभी कभी मतलब वो क्लास रोक देते थे मेरे लिए, तो बहुत हेल्प किया मेरे टीचर्स ने. फिर जब 4G आया तो फिर मैं बाकी बच्चों के साथ कंपीट उतना ही उसी लेवल पे करता रहा. और बस तो पेरेंट्स का कितना रोल रहा है इस फील्ड में, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अल्लाह ताला को देना चाहता हूँ कि जिसने मुझे इस लाइफ बनाया है, और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, खासकर लॉकडाउन में. मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया और मेरे इन 2 सालों में, तो बस मतलब वो मोटिवेट करते रहते थे और कहते थे सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो बस मुझे फोकस रहने में इनने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. देयर आर सो मेनी फैकल्टी मेंबर्स इन आकाश, डू यू फाइंड एनी टीचर हु हैज मोटिवेटेड यू, हु वाज इंस्पिरेशन? जी मतलब वन टीचर, द वन टीचर हु हैज ऑलवेज बीन सच अ ग्रेट मेंटर टू मी, मतलब जिसने मुझे सच में मतलब इस फील्ड के साथ लगाव पहले पैदा किया, फिर उसमें जीत कैसे हासिल करनी है उसका है, वो है तरुण सर. हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं, फाउंडेशन की मैथ्स मैंने उन्हीं से पढ़ी है, फिर आगे जाकर मैं दिल्ली में पढ़ा आकाश में. जी आपकी कोई मैसेज, यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? बस यही मैसेज है कि अगर आप सच में इसको पसंद करते हो, आप सच में इसमें जाना चाहते हो, तो बस आपको कंसंट्रेशन और फोकस इसकी तरफ, आपको पूरा मन इस तरफ लगाना है, और एट लास्ट यू विल डेफिनेटली विन. इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहते हैं ये करना तो कर लेंगे. मतलब अपने दोस्तों के साथ किया मशवरा, तो उन्होंने मुझे सब उन्हें मशवरा दिया कि आप आकाश में जाओ. और जब यहाँ हम आए, यहाँ सबसे पहले हम मिले थे, क्या नाम था उनका? हाँ याद किए, शौकत साहब, रईस सर. हाँ, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, 2-4 बच्चे लाए थे हमने साथ वहाँ से. तो वैसे उस टाइम 7th में पढ़ रहा था, 7th में पढ़ रहा था, मतलब 7th का एग्ज़ाम देना था, तो हमने उसको 8th में नवंबर में शायद यहाँ एडमिट किया था. तो आकाश के बारे में हमने पहले बहुत सुना था, इंशाल्लाह साबित भी हुआ. तो यहाँ जो सबसे पहले मतलब यहाँ के डायरेक्टर जो जुनेद सर हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने मोटिवेट किया. उन्होंने मतलब हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी जितने उसको चाहिए थे, तो मगर उसने सब कुछ करवाया इसके लिए अरेंजमेंट, यहाँ से दिल्ली भिजवाने में उसका बहुत ज़्यादा रोल है.
तरुण सर हमेशा हमें मतलब इसको मोटिवेट करते रहे, हमें समझाते रहे कि मतलब बाहर अगर कभी जाएगा वहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार हैं, जो यूपी से खुद बिलोंग करते हैं, तो सब उन्हें मोटिवेट किया, तभी तो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आज उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो ये ज़रूरी है, इंशाल्लाह खुशी है। वैस बच्चों के लिए मैसेज है, आजकल जो फ़ोन आ गया 80% बच्चे खेलते हैं गेम, 20% एजुकेशन करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैंने खुद तो ऐसा नहीं किया है और मैंने अपने सीनियर से भी यही सुना है कि अगर आप जे एडवांस कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो छोड़ देनी पड़ेंगी इन 2 सालों में, मतलब गेम सोशल मीडिया ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम एक तो मुश्किल है और इट नीड्स टाइम फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि जो कम कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें और जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो कम से कम कम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस दिन का सपना देखा करता था, आज से 6 साल पहले 7 साल पहले जब मैं आया और मैंने देखा कि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में मतलब शायद लोगों को पता नहीं है कि वो आने वाले दिनों में इनको परेशान करेंगी। लोगों ने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम से आगे भी कोई ऐसी सीढ़ी है जो हमें चढ़नी चाहिए। कोई भी बच्चा जब भी कभी हम उसको अगर ऊँचाइयों पर लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो पैर बच्चा रखता है वो रखता है टीचर्स के कंधे पर, जो जिम्मेदारी उठाते हैं। बट मैं देख रहा था एक लंबे समय से कोई यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं था, किसी ने ये सोचा नहीं कि जो बच्चे 12वीं क्लास में हमारे बाहर के स्टेट के बच्चों से पीछे छूट जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी जो नींव है वो 9th में 10th में 8th में वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। इस चीज़ को हमने और हमारी टीम ने बहुत अच्छे से जाना समझा। हमने जब ये देखा कि टॉप 500 जो सीट्स होती हैं वो बच्चे जो 12th क्लास के बाद JEE में या नीट में 500 बच्चों में आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन बच्चों में एक खास बात पाई हमने कि 9th में और 10th में उन बच्चों ने बड़े बड़े जो ओलंपियाड उस टाइम पर थे उन्होंने तभी से वो कोशिशें करनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे कि एक शेर के मुँह में खून लग जाए, वो फिर कभी भी शिकार करना फिर वो बंद नहीं करेगा। तो 9th क्लास में एक एग्ज़ाम है NSEJS जिसके बारे में यहाँ पर किसी को समझ ही नहीं है कि उस एग्ज़ाम की मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। 10th क्लास में एग्ज़ाम है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि नहीं बोर्ड्स पढ़ो उनको ये जान के हैरानी होगी कि JK Bose ही इसको जो है वो स्टेट लेवल पर सबसे पहले करवा रहा है, पर किसी बच्चे ने उस एग्ज़ाम में कभी सोचा ही नहीं। उसकी आज से पहले 2 साल पहले 36 टोटल सीट्स हुआ करती थी, ठीक है, NSEJS जिसमें कभी किसी ने सोचा नहीं 0 सीट्स। आज से 6 साल पहले 7 साल पहले हमारे यहाँ से पूरे श्रीनगर से जो कि इतना बड़ा शहर है बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं किसी ने जिम्मेदारी उठाई नहीं, तो उसमें सिलेक्शन 0। जम्मू के जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, वहाँ के बच्चे 18 निकल रहे हैं 36 में से, बट हमारे यहाँ से 0। लेह लद्दाख उधमपुर कठुआ 0, वो 1 से 2 सिलेक्शन दे रहे हैं बट हम फिर भी 0 रहे। कोशिश हमने की कि इस 0 को हम सबसे पहले नॉन 0 बनाएंगे, हमने 1 बच्चे 2 बच्चे से शुरुआत की। इवन इसका जो बैच था वो 18 बच्चों का बैच था, उसमें से हमने 5 सिलेक्शन NTSC के निकाले थे, तो ये अपने आप में बहुत फक्र की बात है कि हमारे बच्चों में ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है कि हम उन बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अचीवमेंट है इसकी शुरुआत इसकी नींव हमने आज से 5 साल पहले 6 साल पहले डाल दी थी और हमें पता था कि हम 5 साल बाद ऐसे आप लोगों के सामने बैठकर इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। थैंक यू। मेरा नाम तेजस्वीर है, मैंने JEE मेंस में मैंने लाई 50,000 रैंक और मैं NIT श्रीनगर में शायद ऑप्ट करूँगा कोई 3 टॉप ब्रांचेस में से एक। मैं असली में बारामूला से हूँ और मेरे फ्यूचर प्लान्स NIT श्रीनगर ही है, उसके बाद ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स एंड ट्रेड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा मेन ये है। मेरा नाम हाशिम एजाज है और मेरा IIT में JEE एडवांस क्लियर हो गया और रैंक आई है मेरी 13,600। तो आगे मैं अब देख रहा हूँ कि या NIT में जाऊँगा या IIT में होगा मेरा एडमिशन। जी मैं जुकूरा क्रॉसिंग में रहता हूँ। जी और मेरा निक से किया था मैंने निगीन सेंटर राजबा इसका आकाश का निगीन सेंटर उधर से किया था मैंने इसका ये कोचिंग 11।
मेरा नाम साहिल फिरदोसवानी है। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 10th क्लास से स्टार्ट कर दी थी और रिसेंटली जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और मेरी रैंक 11,000 आ रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगा, उसके बाद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने भी मेरी हर स्टेप पे गाइडेंस की है, उनका भी मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। आकाश में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? आकाश में टोटल जेई मेंस तो 15-20 बच्चों ने क्वालिफाई किया, पर एडवांस सिर्फ 5 बच्चों ने किया। उनमें से आप भी? यस। अब फ्यूचर प्लान्स क्या है आप? फ्यूचर प्लान्स फिलहाल जो सका उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, उसके बाद कॉलेज के हिसाब से और ब्रांच के हिसाब से आगे प्रोसीड करूँगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं कुकरनाग में रहता हूँ।